4 मई को हुए नगर निगम चुनाव के वोटों की गिनती की तैयारियां जिला प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। इसी क्रम में बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि इस बार का विशेष ध्यान रखा जाए कि चक्रवार मतगणना की सूचना प्रत्याशी के एजेंट को भी उपलब्ध कराई जाए। सभी एजेंट जब संतुष्ट हो जाए तो आधिकारिक तौर पर उसकी घोषणा की जाए। उन्होंने कहा कि ये भी सुनिश्चित किया जाए कि चक्रवार मतगणना की रिपोर्ट चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी डाली जाए। उन्होंने कहा कि मतगणना महत्वपूर्ण कार्य है, इसमें किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए। जिलाधिकारी ने ये भी कहा कि ड्यूटी पर जाने वाले प्रत्येक कर्मचारी और रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर ये सुनिश्चित करें कि किसी को भी शिकायत का मौका न मिले। यदि किसी को भी मतगणना में कोई शंका है तो उसे आंकड़ों के हिसाब से संतुष्ट कराने का प्रयास करें। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी की समझ में कोई बात अगर नहीं आती है तो वो बेझिझक अभी पूछ सकते हैं। जो प्रशिक्षण किया गया है सभी आरओ का, जो नगर निगम में जिनकी ड्यूटी लगी उनका प्रशिक्षण इस सत्र में किया गया है। अगले सत्र में जहां बैलेट पेपर से काउंटिंग होनी है उनका प्रशिक्षण कराया जाएगा। आरओ यारोज को पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई, ईवीएम मशीन में कंट्रोल यूनिट्स में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस तरह से रिजल्ट के प्रारूप 40 से लेकर 42 तक किस तरह से भरे जाने हैं सारे प्रारूप की जानकारी दी गई, और क्या क्या व्यवस्थाएँ काउंटिंग में की गई हैं। जैसे महापौर की अगर हम बात करें तो उसमें 30 टेबल लगाई गई है, पार्षद के लिए बात करें तो 30 टेबल लगाई गई है। पहले राउंड में जो शुरू के 30 वार्ड हैं वो काउंट होंगे, फिर ऐसे ही आगे जैसे जैसे फेज बढ़ता जाएगा और एक एक वार्ड जब कम्प्लीट होता जाएगा तो आगे वार्ड में काउंट करेंगे, और उस हर टेबल पर जो प्रत्याशी हैं उनके काउंटिंग एजेंट भी रखे जाएंगे। ये सब जानकारी है। क्या माना जाए कै बजे से गिनती शुरू हो जाएगी? देखिए प्रातः 8 बजे से टाइम दिया गया है, तो 8 बजे स्ट्रांग रूम खुलता है, फिर ईवीएम मशीनें आती हैं, तो प्रैक्टिकली लगभग 8:30 बजे से वास्तविक मतगणना शुरू हो पाएगी, और हम उम्मीद करते हैं कि 3 से 4 बजे तक हमारी सारी मतगणना। साथ ही प्रशिक्षण शिविर में मुख्य विकास अधिकारी सुमित यादव, अपर जिलाधिकारी प्रशासन सुरेंद्र सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व योगराज सिंह सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।